नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम प्रमुख अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी। तो बात करते हैं सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों की। तो अरब आक्रमणकारियों में पहला प्रश्न ये आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था। तो प्रथम अरब आक्रमणकारी था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने भारत पर कब आक्रमण किया, क्यों आक्रमण करा, इसका कारण देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय भारत के पास से निकलता था अरब सागर। देखो आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा मैप बना के। तो मान लो लगभग ये है भारत, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, इधर से यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर क्या है, अरब सागर है और इधर ईरान है यहां पर, ठीक है। लगभग यहां पर ईरान है ये मान लें। तो ईरान से कुछ व्यापारी कहां गए, श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका से जब लौट रहे थे तो इनको इस जगह पर, ये जगह वर्तमान पाकिस्तान के नजदीक आती है, पर उस समय पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान जो है वो एक ही था। तो यहां पर इन्हें कुछ समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया, जिसमें जो आपके खलीफा थे, खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे गए थे, वो उपहार भी लूट लिए गए, ठीक है। तो अब यहाँ का जो शासक था, सिंध का शासक, वो कौन था फ्रेंड्स? सिंध का शासक था राजा दाहिर। तो दाहिर ने उन लुटेरों को पकड़ने में कोई विशेष सहायता उनकी नहीं की, इसलिए वो दाहिर को दंड देने के लिए आक्रमण करते हैं। और ये आक्रमण के लिए भेजता है कौन? भेजता है खलीफा। भेजता है खलीफा कौन होता था? इस्लाम धर्म का जो सबसे बड़ा धर्माधिकारी होता था उसको खलीफा कहते थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो खलीफा था जो वालिद था, उस वालिद ने भेजा, ठीक है। तो बात करते हैं प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। और इसने कहां पर आक्रमण किया, तो हम बात कर सकते हैं कि इसने आक्रमण किया है सिंध पर। और सिंध का शासक कौन था दोस्तों? राजा दाहिर था। इस युद्ध का मुख्यतः वर्णन जो अभी मिलता है वो चचनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है। तो राजा दाहिर यहां का शासक था। तो अब हम बात कर लें कि ये किसने भेजा है, तो हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये भेजने वाला व्यक्ति है खलीफा। तो खलीफा कौन था? वालिद था। खलीफा कौन था फ्रेंड्स? खलीफा वालिद था। वालिद ने ये भेजा था। तो अब हम बात कर लें कि इसे भेजने वाला मुख्यतः कौन था, वो इराक का गवर्नर था। ये तो खलीफा हो गया। अब इसे डायरेक्ट आदेश किसने दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसका नाम है अल हज्जाज। अल हज्जाज कौन है, बात करें तो इराक का गवर्नर था फ्रेंड्स। चलिए, तो इराक के गवर्नर ने इसको आदेश दिया कि अटैक करो और इस राजा दाहिर को इसकी करनी का दंड दो। तो दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ उसे हम इतिहास में कहते हैं दोस्तों रावर का युद्ध, बैटल ऑफ रावर। और ये युद्ध हुआ है कब, हुआ है 712 ईस्वी में। कब हो गया? 712 ईस्वी में ये युद्ध हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो गया। कौन विजयी हो गया? मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो गया और राजा दाहिर पराजित हो गया। राजा दाहिर के पराजित होने के बाद इस रावर किले की रक्षा करती है दाहिर की पत्नी, जिसका नाम है रानी बाई। और ये रानी बाई दोस्तों क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर किसने और कब किया, तो रानी बाई ने किया है, ठीक है। किसने किया? रानी बाई ने किया है। कब किया है? 712 में किया है। कहां किया है? तो इसने सिंध में या रावर में किया है फ्रेंड्स। उसके बाद इसकी दो पुत्रियां जीवित पकड़ ली जाती है फ्रेंड्स, जिनका नाम है सूर्या देवी और परिमल देवी। चलिए, तो एक बार इसको अच्छे से समझते हैं, देखिए फ्रेंड्स आराम से। तो सबसे पहले बात करें कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम अरब आक्रमणकारी है वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, तो मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा, तो देखा जाए तो खलीफा ने भेजा था, और खलीफा था वालिद, और खलीफा होता था इस्लाम का सबसे बड़ा धर्माधिकारी, ठीक है। लेकिन इसे डायरेक्ट आक्रमण करने का आदेश किसने दिया था, तो इराक के गवर्नर ने दिया था, और इराक का गवर्नर का नाम क्या था, अल हज्जाज। तो अल हज्जाज ने इसको भेजा था, इसका कारण हम देख ही चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसने आक्रमण कहां किया, तो सिंध पर किया फ्रेंड्स, कहां पर किया, सिंध पर किया। सिंध का राजा कौन था, दाहिर था, दाहिर के पिता का नाम था चच था, और चच एक ब्राह्मण था, ठीक है। इस युद्ध की जानकारी का जो स्रोत है वो सबसे एक ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है चचनामा। माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना में कोई व्यक्ति था अरबी, उसने लिखा था। इसके अलावा इसका राइटर अली अहमद को माना जाता है, या तो अज्ञात है या फिर अली अहमद, अली अहमद को भी इसका राइटर कई विद्वान मान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया, रावर का युद्ध हुआ। रावर का युद्ध कब हुआ, 712 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हो गया है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस युद्ध में कौन जीत गया, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया, तो एक जीत रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक हार ही जाता है, तभी तो हुआ। फिर बात करते हैं कि दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, उसने मरते दम तक किले की, रावर के किले की रक्षा करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, लेकिन अंततोगत वो जब नहीं कर पाई, तो उसने अपनी अश्मत बचाने के लिए, उसने अपना सम्मान बनाने के लिए, उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया है फ्रेंड्स। और भारतीय इतिहास का पहला जौहर रानी बाई ने किया, जो दाहिर की पत्नी है, 712 में किया है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो राजा दाहिर की दो पुत्रियां थी, एक का नाम है सूर्य देवी और एक का नाम है परिमल देवी दोस्तों। और इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने जीवित पकड़ लिया, और जीवित पकड़ के इनको बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर इसको किसको कहां ले गए, इसको खलीफा को पास ले गए, और खलीफा को इनको सौंप दिया दोस्तों। और फिर कहते हैं कि इन्हीं की शिकायत पर, इन्हीं दोनों की शिकायत पर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया दोस्तों। तो अंत में मृत्यु दंड मिल गया, किसको मिला है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड मिला है मोहम्मद बिन कासिम को, जो किसके द्वारा दे दिया गया है, खलीफा के द्वारा दे दिया गया है। खलीफा कौन था, वालिद था फ्रेंड्स। तो ये मोहम्मद बिन कासिम में से आने वाली मुख्य मुख्य बातें हो सकती हैं, तो हम ध्यान रखते हैं। तो प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, जिसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनता है, केवल एक ही डायग्राम में आपको मुख्य चीजें दिखा दी गई है फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन बात करते हैं अरब आक्रमणकारी के बाद में, अरबों के साथ साथ हम एक और शब्द लेते हैं, तुर्क आक्रमणकारी। तो देखिए जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था फ्रेंड्स। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगिन। कौन था फ्रेंड्स, सुबुक्तगिन था, लेकिन इसने भारत पर असफल आक्रमण किया। असफल रहा, इसको कोई विशेष सफलता भारत अभियान से प्राप्त नहीं हुई है फ्रेंड्स। एक्चुअली इस तुर्क राज्य की स्थापना जो की थी वो अलप्तगिन ने की थी, तो अब सुबुक्तगिन आ गया, और सुबुक्तगिन को जब सफलता नहीं मिली तो कालांतर में इसका पुत्र भारत पर आक्रमण करेगा, जिसका नाम है महमूद गजनवी। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स महमूद गजनवी की। चलिए तो हेडिंग लगा लेते हैं महमूद गजनवी। तो ये तुर्क आक्रमणकारी था, नाम है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी में से जो पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वो ये आता है कि महमूद गजनवी कहां से आया था। तो महमूद गजनवी आया था गजनी से। कहां से आया था, गजनी से। गजनी वर्तमान में कहां पर है, तो गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में। गजनी वर्तमान में कहां पर है, तो गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो गजनी नाम देखते हैं, आप ये मत सोच लीजिए कि आमिर खान की मूवी की बात कर रहा हूं, उससे इसका कोई संबंध नहीं है फ्रेंड्स। चलिए तो गजनी से आया था। फिर बात करते हैं कि इसने भारत में कब से लेकर कब तक आक्रमण किए। तो ऐसा माना जाता है कि इसने 1000 ईस्वी से लेकर, कब से लेकर, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक बार बार लगातार 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार, 17 बार। तो 17 टाइम्स अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। 17 बार इसने भारत पर क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया, महमूद गजनवी ने कर दिया।
अब हम बात करते हैं इसके भारत में आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। फ्रेंड्स देखिए, इसके आक्रमण का उद्देश्य अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे अपन बात करें, एक विद्वान है उत्बी, जो कि स्वयं इसके सामने साथ में आया था, उत्बी, ठीक है। तो उत्बी ने इसका उद्देश्य बताया है, क्या बताया है, धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद में एक आधुनिक इतिहासकार है जिनका नाम है दोस्तों इरफान हबीब, इरफान हबीब, ये कहते हैं कि इसका भारत में आने का उद्देश्य था धन प्राप्त करना। और ये धन कैसे प्राप्त करेगा, ये क्या कोई बिजनेस करेगा, कोई व्यापार करेगा? नहीं दोस्तों, लूटपाट के जरिए धन प्राप्त करना इसके भारत आने का उद्देश्य है, जो किसने बताया है, इरफान हबीब ने बताया। अब हम बात करते हैं कि ना तो एग्जाम में इरफान हबीब का नाम आए और ना ही मान लो कि आपके उत्बी का नाम है और सीधा सीधा उत्तर आ जाए कि भैया कि इसके भारत में आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो क्या माना जाएगा, धन प्राप्त करना। इसे ही हम सर्वसम्मत मत भी मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं इसको, सर्वसम्मत मत। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन में कई सारे हों उनमें से एक चुनना पड़े, जैसे आ जाए पहला ए धन प्राप्त करना, बी धर्म का विस्तार करना, सी साम्राज्य विस्तार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स हमें क्या चुनना पड़ेगा, धन प्राप्त करना। लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं के स्थान पर उपरोक्त सभी होता आला फबाव, यानी क्वेश्चन होता कि उद्देश्य क्या था गजनवी का भारत पर आक्रमण का, तो ए धन प्राप्त करना, बी धर्म का प्रचार प्रसार करना, सी साम्राज्य विस्तार करना और डी उपरोक्त सभी। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स अपन क्या उत्तर लेंगे, उपरोक्त सभी। तो मैं समझता हूं आप समझ ले होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन एक ही चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से गजनवी भारत आया था। चलिए, हालांकि इसने भारत में जितने भी आक्रमण किए उन्हें जिहाद भी नाम दिया गया है। चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के प्रमुख अभियानों का। महमूद गजनवी के प्रमुख अभियान, तो प्रमुख अभियान कौन कौन से फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपन कि सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया, दूसरा कब किया, कैसे किया। तो देखो, सबसे पहला आक्रमण जो इसने किया वो माना जाता है 1000 ईस्वी में, और 1000 ईस्वी में जो इसने आक्रमण किया है फ्रेंड्स वो कहाँ पर किया है, हम बात कर लेते हैं, इसने किया है हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर। इस पर किया, जयपाल पर, वर्तमान काबुल कह सकते हो आप उसके आसपास का क्षेत्र। तो इसने आक्रमण किया दोस्तों किस पर, जयपाल पर, और जयपाल इस युद्ध में पराजित हुआ और दोस्तों ये इस हार से इतना दुखी हुआ कि इसने आत्मदाह कर लिया। हालांकि आत्मदाह इसने लगभग एक साल बाद किया, ठीक है, कोशिश की वापस जीतने की पर नहीं जीत पाया। तो इसने, तो ये महमूद गजनवी का भारत पर किया गया सबसे पहला आक्रमण था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रमुख आक्रमण हैं, तो फिर उसके बाद में अगला प्रमुख आक्रमण है 1004 में, 1004 ईस्वी में इसने आक्रमण किया है मुल्तान पर और मुल्तान को जीत लिया है। जितने भी आक्रमण हैं उसमें मैं विजय नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सभी को विजय किया है, एक में आपको समझने के लिए बता देता हूं, कौन से में असफल रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो अलग से अपन दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में इसने आक्रमण किया फ्रेंड्स नगरकोट और पेशावर पर। नगरकोट और पेशावर पर किया फ्रेंड्स, और यहां से ये तांबे की मूर्ति या प्रतिमा को खंडित किया, ठीक है, क्या किया, खंडित किया। और ये प्रतिमा कौन से भगवान की थी फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि ये चक्रा स्वामी या चंद्रा स्वामी की प्रतिमा थी, किसकी थी, चक्रा या चंद्रा स्वामी की प्रतिमा। चलिए, तो अभी बात करेंगे इसके बारे में दोबारा थोड़ी सी देर में। फिर उसके बाद इसके प्रमुख आक्रमणों में हम अगला आक्रमण देखते हैं जो प्रमुख कौन सा था, ठीक है,
1009 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम्स में स्पेशली, क्योंकि ये आक्रमण इसने कहाँ किया, नारायणपुर पर किया। अब आप सोच रहे होंगे नारायणपुर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नारायणपुर का मतलब अपने अलवर से है, तो यहां पर भी इसने आक्रमण किया था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 1016 ईस्वी में, फ्रेंड्स कब, 1016 ईस्वी में इसने जो आक्रमण किया है वो कहां पर किया, कश्मीर किया है। कहां पर किया है, कश्मीर पर किया है। कश्मीर पर, और ये महमूद गजनवी का भारत में किया गया पहला और एकमात्र असफल अभियान रहा। इसके अलावा एक भी ऐसा अभियान नहीं है जिसमें महमूद गजनवी असफल रहा हो फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा प्रमुख आक्रमण किया इसने, आगे बढ़ते हैं, पर नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो अगला प्रमुख आक्रमण किया इसने 1018 में, और 1018 में इसने मथुरा पर आक्रमण किया है, कन्नौज पर आक्रमण किया है फ्रेंड्स। कहाँ कहाँ किया है, मथुरा व कन्नौज पर। और ये आक्रमण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी आक्रमण में इसके साथ आया था एक लेखक जिसका नाम है अलबरूनी, और अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है दोस्तों। ये भारत आकर इसने संस्कृत सीखी और कई भारतीय साहित्यों का इसने अरबी और फारसी में अनुवाद किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण है उसके पास चलते हैं अपन सीधा, वो है 1025 ईस्वी का। 1025 में इसने आक्रमण किया सोमनाथ। सोमनाथ वर्तमान गुजरात में है दोस्तों, इसको उस समय कहा जाता था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र का शासक था यहां का सोमनाथ का, या यूं कहें सौराष्ट्र का शासक कौन था, तो वो मैं यहां नाम लिख रहा हूं, वो था चालुक्य वंशीय। कौन से वंश का, चालुक्य वंश का था दोस्तों, और उसका नाम था भीमदेव। भीमदेव प्रथम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण था, और सोमनाथ महादेव मंदिर को इसने बहुत लूटा दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख आक्रमण था। इसके अलावा हम बात कर लें कि इसका अंतिम आक्रमण कब था, तो 1027 ईस्वी में सीमांत प्रदेश के खोकरों या खोकर एक जाति नहीं है, एक गोत्र है जाटों का, तो जाटों के विरुद्ध, तो ये महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था भारत में, ठीक है। इसके अलावा इसका युद्ध मैं इधर अलग से ये बना के लिख रहा हूं, ध्यान रखना, गजनवी का युद्ध राजस्थान के प्रमुख लोक देवता गोगाजी से भी हुआ था दोस्तों। गोगाजी से कहां हुआ था, सांचौर में हुआ था, और सांचौर कहां है, जालौर में। और गजनवी गोगाजी से इतना प्रभावित हुआ था कि गजनवी ने गोगाजी को जाहड़ या जाहर पीर की उपाधि प्रदान की थी फ्रेंड्स। तो ये गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए प्रमुख प्रमुख आक्रमण और उनकी बातें थी, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में दोबारा स्पीडली बता देता हूं फ्रेंड्स। देखो, तो हम बात कर रहे हैं कौन से आक्रमणों की फ्रेंड्स, तुर्क आक्रमणों की। तो पहला तुर्क आक्रमणकारी भारत पर था सुभुक्तगिन, जो कि असफल रहा, विजयी नहीं रहा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद उसके पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार लगातार 17 बार आक्रमण किए हैं। तो महमूद गजनवी कहाँ से आया था, गजनी से आया था, गजनी अफगानिस्तान में। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में बार बार लगातार 17 बार आक्रमण किए भारत पर। भारत के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन प्राप्त करना दोस्तों। क्या था, प्रमुख उद्देश्य था धन प्राप्त करना, अन्य उद्देश्य भी साथ में थे पर मैन यही था। फिर हम प्रमुख आक्रमणों की बात करते हैं, तो सबसे पहला आक्रमण जो भारत में किया इसने, ये भारत में किया गया इसका क्या था, प्रथम आक्रमण, ठीक है। तो प्रथम आक्रमण था जो इसने हिंदू शाही वंश के, सिंध और मुल्तान के आसपास का शासक था हिंदू शाही वंश का जयपाल, इस पर आक्रमण किया, और जयपाल पराजित हुआ और उसने इस पराजय के दुख से आत्महत्या कर ली दोस्तों। उसके बाद में इसका दूसरा प्रमुख आक्रमण हुआ वो मुल्तान पर हुआ, मुल्तान को इसने विजय कर लिया,
उसके बाद 1008 ईस्वी में नगरकोट और पेशावर पर आक्रमण किया और यहाँ से चक्रा या चक्रा स्वामी की जो मूर्ति है वो तांबे की बनी हुई मूर्ति थी दोस्तों, खंडित कर दिया। तो भारत में बनी हुई पहली मूर्ति या पहली वह मूर्ति जिसको खंडित किया गया, जिसका अपमान किया गया, जिसको क्या कह सकते हो तोड़ा गया, तो वो कौन सी मूर्ति थी? चक्रा या चंद्रा स्वामी की मूर्ति थी। किसके द्वारा तोड़ी गई? तो महमूद गजनवी के द्वारा तोड़ी गई है फ्रेंड्स। कहां से ली गई थी? 1008 ईस्वी में ये नगरकोट और पेशावर से ली गई थी। और इसी कारण फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महमूद गजनवी को क्या कहते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, महमूद गजनवी को भारत का प्रथम बुत शिक्कन शासक कहा जाता है फ्रेंड्स, बुत शिक्कन। तो क्या मतलब होता है बुत शिक्कन का? मतलब होता है प्रतिमाएं मूर्तियां तोड़ने वाला, अर्थात मूर्ति भंजक। क्या होता है फ्रेंड्स? मूर्ति भंजक होता है इसका मतलब। तो भारत का पहला मूर्ति भंजक शासक कौन सा है? तो महमूद गजनवी है। मूर्ति भंजक कह सकते हो, मूर्तियों को तोड़ने वाला कह सकते हो, बुत शिक्कन कह सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में 1009 में इसने नारायणपुर यानी अलवर के आसपास के क्षेत्र में आक्रमण किया और इसका प्रमुख आक्रमण हम बात कर सकते हैं एक और 1016 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा आक्रमण है किसका, महमूद गजनवी का एकमात्र ऐसा अभियान है जो असफल रहा और वो था कश्मीर अभियान 1016 ईस्वी। उसके बाद में हम अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगला प्रमुख आक्रमण 1018 में इसने मथुरा और कन्नौज पर किया है फ्रेंड्स। और इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहलाती है और इसे हिंदुओं का बैथल कहते हैं लोग स्पेशली। और अलबरूनी एक जो लेखक है वो इसके साथ आया था, अभी बात करेंगे अलबरूनी की अपन अलग से, ठीक है। उसके बाद में इसका सबसे प्रमुख अभियान बात करें, सबसे प्रमुख तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में है जहां का शासक चालुक्य वंशीय भीमदेव प्रथम था दोस्तों। इसमें इसकी पत्नी इसमें इसकी पुत्री शोभा ने भी अतुल्य वीरता दिखाई थी फ्रेंड्स, लेकिन अफसोस भीमदेव पराजित हुआ, भीमदेव पराजित हुआ और इस मंदिर को तोड़ा गया और लूटा गया दोस्तों। कहते हैं उत्भी लिखता है कि यहां से इसको इतना पैसा मिला जितना सभी विजयों में मिलाकर भी नहीं मिला था, ठीक है। उसके बाद जब ये यहां से वापस लौट रहा था तो लौटती हुई गजनवी की सेना का अभियुद्ध हुआ। किससे हुआ? लोक देवता गोगाजी से हुआ है फ्रेंड्स। और गोगाजी की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि गोगाजी को गजनवी ने जाहर या जाहड़ पीर की उपाधि दी। तो क्वेश्चन बनता है गोगाजी को जाहड़ पीर की उपाधि किसने दी? महमूद गजनवी ने दी या महमूद गजनवी ने जाहड़ पीर की उपाधि किसको दी? तो गोगाजी को दी। या गोगाजी को गजनवी ने कौन सी उपाधि दी? तो जाहड़ पीर की दी। खैर उसके बाद जब ये वापस लौट रहा था तो जाटों ने इस पर हमला कर दिया और लुटेरे से थोड़ा सा कुछ उन्होंने भी लूट लिया। तो दोस्तों इसने इनको दंड देने के लिए अंतिम जो अभियान किया वो सीमांत प्रदेश के जाटों या खोखरों के विरुद्ध किया। और वो कब किया? वो 1027 ईस्वी में किया। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी किसके बारे में? महमूद गजनवी और उसके आक्रमणों से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं उसके समय कौन कौन से विद्वान भारत आए या कौन कौन से मुख्य ऐसे लेखक हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दरबारी विद्वानों के नाम। तो महमूद गजनवी के दरबारी, ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं अब उनके नाम। तो कौन कौन थे देखो वन बाय वन, सिर्फ मैं पहले एक बार नाम लिख रहा हूं फिर एक एक के बारे में बात करेंगे। एक है अलबरूनी, आप जानते हैं इसको, बात कर चुके हैं, ठीक है। एक है बेहाकी, एक है उत्बी। क्या नाम है फ्रेंड्स? उत्बी, बेहाकी, अलबरूनी और इसके फिरदोसी और अंसारी। चलिए इनमें से मुख्य मुख्य के बारे में बात कर लेते हैं कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी या किसमें से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो पहले अपन बात कर लेते हैं अलबरूनी की। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम बात करते, किताब हिंद, इसकी पुस्तक का नाम था क्या था दोस्तों? किताब उल हिंद बात करते हैं। चलिए उसके बाद में अपन बात करें, ये देखिए इसमें ये कब आया था ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। इसने भारत में आके संस्कृत,
किसका, संस्कृत का अध्ययन किया, और संस्कृत का अध्ययन करने के बाद कई ऐसी पुस्तकें जिनका इसने फारसी में अनुवाद किया, अरबी में अनुवाद किया दोस्तों, ठीक है। और इसी किताबुल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद दोस्तों। ठीक है, तो इसने भारत आकर संस्कृत का अध्ययन किया, या यूं कहें संस्कृत सीखी। संस्कृत का क्या कर लिया इसने? अध्ययन कर लिया है, पुराणों का अध्ययन कर लिया है दोस्तों। इसने किसका अध्ययन किया है? अभी इसने अध्ययन किया है। चलिए, और आपके पतंजलि के महाशय का इसने अरबी में अनुवाद किया है। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के एक विद्वान थे समय, तो इस महाभाष्य का अरबी अनुवाद अगर पूछ ले किसने किया है, तो अल बरूनी ने किया है। ठीक है, ये अल बरूनी में से आने वाले मुख्य मुख्य क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट फिरदौसी, ये भी प्रमुख है दोस्तों। फिरदौसी, तो फिरदौसी की अगर मैं रचना की बात करूं तो इसने कौन सी रचना लिखी है दोस्तों? तो फारसी में इसने लिखा है शाहनामा। क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है दोस्तों। तो फारसी भाषा में इसने शाहनामा की रचना की है। ठीक है, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, इसको पूर्व का होमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर कहा जाता है। और इसे पूर्व का होमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लेखक था दोस्तों। बात कर लूं आपको होमर कौन था, तो होमर एक यूनानी विद्वान था दोस्तों, और पहला यूं कह सकते हैं लिटरेचर था, पहला साहित्यकार था, ठीक है, जिसने इलियट और ओडिसी नामक नाटक लिखे थे। ठीक है, तो इसलिए, और फिरदौसी को दोस्तों, फिरदौसी को आपके महमूद गजनवी ने कहा था कि तुम्हें इस पुस्तक में यानी प्रत्येक दोहे के बदले सोने की मोहर दूंगा, लेकिन उसने नहीं दिया, और दरबार में फिरदौसी का उसने क्या कर दिया? अपमान कर दिया दोस्तों। ठीक है, उसे कहा था कि हर छंद की रचना के लिए तुम्हें क्या दूंगा मैं? एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, लेकिन स्वर्ण मुद्रा नहीं दिया। फिर तो दरबार में जब इसने मांगा तो इसका अपमान कर दिया फ्रेंड्स, और अपमान से शुद्ध होकर फिरदौसी ने दोस्तों आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? आत्महत्या कर दी थी। उसके अलावा अगला लेखक बात करता हूं, तो अगला हम लिख सकते हैं उत्बी। तो उत्बी बहुत बड़ा प्रशंसक था किसका? आपके महमूद गजनवी का। इसकी बुक का नाम है फ्रेंड्स किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी की रचना की है इसने उत्बी ने। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो अगला जो था वो था बेहाकी। तो बेहाकी ने क्या क्या लिखा है, मैं इधर लिख रहा हूं अलग से बेहाकी के बारे में। तो बेहाकी भी आपके इसके समय का प्रमुख था। इसने लिखा है तारीख ए सुबुक्त गिन। यहां लिख रहा हूं फ्रेंड्स नीचे में नाम पूरा, तारीखे सुबुक्त गीन। बिहा की महमूद गजनवी और उसके पिता सुबुक्त गीन दोनों के समय था दोस्तों। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? पूरव का पैप्स कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? पूरव का पैप्स कहा जाता है। और ये कहने वाले विद्वान है कौन है? लैनपूल है। तो बेहाकी को यहां लिख रहा हूं नीचे,
पूरब का पेप्स, और एक कहने वाले व्यक्ति हैं लेन पूल। कौन है? लेन पूल। तो एक बार मैं आपको जितनी भी ये चीजें अपन ने देखी अभी साहित्य से रिलेटेड, उनकी मैं थोड़ी सी बात एक बार दोबारा कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए कौन-कौन से थे इसके दरबार में विद्वान, बात कर ले। अलबरूनी था, फिरदूसी था, बेहाकी है, उतबी और अंसारी है। अब इनमें से मुख्य मुख्य कौन-कौन थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलबरूनी। अलबरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद, जिसे और क्या कहा जाता है, तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। अलबरूनी वह पहला व्यक्ति है, पहला विदेशी है, अरबी या तुर्की है, जिसने भारत में आके संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया दोस्तों। ठीक है, पुराणों का भी इसने अध्ययन किया था और इसने पतंजलि के महाभाष्य का अरबी में अनुवाद किया। ठीक है, उसके बाद में अलबरूनी के बाद हम अगला प्रमुख देखते हैं फिरदोशी। फिरदोशी ने शाहमा नामा पुस्तक की रचना की फारसी भाषा में। इसे पूर्व का होमर कहते हैं, तो क्वेश्चन सीधा सीधा भी कई बार क्लिक हो जाता है कि पूर्व का होमर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फिरदोसी ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि इसको कहा था महमूद गजनवी ने कि प्रत्येक छंद की रचना के बदले तुम्हें स्वर्ण अशर्फी दी जाएगी, पर नहीं दी गई। दरबार में अपमानित महसूस हुआ और इसने सुसाइड कर ली फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में प्रमुख विद्वान है उतबी। तो उतबी ने किताब उल यामिनी की रचना की और पुस्तक में लिखा है कि इसका गजनवी का भारत आने का उद्देश्य जिहाद या धर्म विस्तार था। साथ ही साथ इसने यहां से लूटपाट और धन कितना ले गया उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की है दोस्तों। फिर उसके बाद में हमने बात की है बेहाकी की। तो बेहाकी की पुस्तक का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। बेहाकी, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी दोनों बाप बेटों के समय था और इसे पूर्व का पैप्स कहा जाता है और एक कहने वाले व्यक्ति हैं लेनपुल। तो ये दोस्तों हमने प्रमुख प्रमुख शुरुआत में की अरब आक्रमणकारी, फिर बात की तुर्क आक्रमणकारी और उसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी करेंगे, मोहम्मद गौरी की। और उसके बाद में हम बात कर लेंगे मोहम्मद गौरी के वजह से उसके आने के बाद में भारत में क्या हो गया, सल्तनत काल का प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।